हेलो स्टूडेंट्स एफ एंड सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत इन टू क्लास वी आर गोइंग टू सी इंटीग्रल्स विच इज़ सेवेंथ चैप्टर ऑफ आर बुक इट इज़ इन सेकेंड बुक एंड इट इज़ अवज चैप्टर ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है इतना छोटा चैप्टर नहीं है इसमें इन टोटल जो है इन इंक्लूडिंग मिसलिनियस ट्वेल्व एक्सरसाइज़ हैं तो इस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पर ये हमारी क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है और ये सेकेंड बुक में है फर्स्ट बुक हमने अब तक कवर कर लिया है अगर आपने उनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है हमने हर एक सेक्शन हर एक चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं उनके सबके वीडियोस आ चुके हैं तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट बुक में छः चैप्टर्स थे वो सारे छः चैप्टर्स हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं उनके सारे कंसेप्ट सारे सेक्शंस सब सेक्शंस, इवन जो चीज़ें इस बारी नहीं आ रही हैं जो छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने डिलीट करी हैं इस बारे आ, के सिलेबस के लिए वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट बुक है कंप्लीट हो गया है और उनकी रिवीजन सीरीज़ भी बहुत जल्दी आएगी पर आई एम वेटिंग फॉर तो मैं ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि uh, ये सारे चैप्टर्स एक बार की जब स, uh, मतलब हम फिनिश कर लें उसके बाद जो है एक रिवीजन की सीरीज़ चलाई जाए उसमें टेस्ट पेपर्स असाइनमेंट्स ये सारे आ जाएं या फिर अगर आपको असाइनमेंट या टेस्ट पेपर्स अभी से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा तो अभी जो है हम वो तो खैर जैसे आप लोगों की मर्जी है आप अगर कमेंट में डालेंगे तो हम उस पर एक्ट करेंगे नहीं तो फिर अभी ये है कि सारे चैप्टर्स वंस वी फिनिश देन वी विल स्टार्ट रिवीजन सीरीज उसमें आपको पीरियाडिक असाइनमेंट्स एंड टेस्ट के बारे में दिया जाएगा टेस्ट मटेरियल्स दिए जाएंगे जो कि पीडीएफ की फॉर्म के में होंगे वो आप यहाँ से इसमें यहाँ पर लिंक प्रोवाइडेड होगा उस लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कर पाएंगे और फिर उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उनमें जो डिफ़िकल्टी जाएंगी वो आप कमेंट के तौर पर पूछ सकते हैं और, और भी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी इन कोर्स जब आपको डिवीजन कराई जाएगी अभी फ़िलहाल तो हम इंटीग्रल्स करने शुरू करने जा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रल्स है क्या इंटीग्रल्स जो है वो इसका जो ये है स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि ये डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं किसी कव का तो आपको क्या मिलता है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है तो अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा तो अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको वो कव वापस मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि इंटीग्रेशन में हमें जो है डिफरेंशिएशन कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है अगर तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें फैमिली ऑफ कर्व मिल जाता है ठीक है जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन को हम इस सिंबल से डिनोट कराते हैं यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसको कि हम इंटीग्रेंड करते हैं ये है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन का सिंबल और यहाँ पर वेरिएबल ऑफ एक्स होता है एक्चुअली ये जो भी हो लेकिन इसका इससे ये डिसाइड होता है कि हमें जो है विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द फंक्शन ये इंटीग्रेंड है और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है अब इंटीग्रेशन में दो तरह का है मतलब इंटीग्रल ये इंटीग्रेशन क्या है कि इंटीग्रल्स का जो प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं ये डी एक्स में एक्स जो है वो वेरिएबल है और डी एक्स जो है ये बताता है हमें कि हम किसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ठीक है तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का हो गया फिर इंटीग्रेशन दो तरह का होता है एक तो ये और एक दूसरा उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ना कुछ लिमिट्स लिखे हुए हैं ठीक है तो ये जो ये वाला है इसमें चूंकि लिमिट नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल ठीक है जबकि दूसरे वाले को जिसमें कि ये लिमिट्स लिखा होता है तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं ठीक है अब दोनों में बहुत डिफरेंस है डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे बड़ा डिफरेंस जो अगर हम देखें तो वो ये है कि इससे हमें जो मिल रहा है वो फैमिली ऑफ कव्स मिलता है फैमिली ऑफ कव्स ठीक है जबकि यहां पर जो मिलता है हमें वो मिलता है एरिया एरिया अंडर द कव अंडर द कव मिलता है ठीक है मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी का डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा देखिए और यहाँ पर क्या मिलेगा फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा मतलब यह है कि अगर आपने कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको और आपने उसको इंटीग्रेट करा दिया जैसे मान रखिए कि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है फोर एक्स प्लस थ्री है तो यहाँ पर जो है इसका इंटीग्रेशन अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जैसे अगर आपको फोर एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा प्लस थ्री एक्स हो जाएगा और एक प्लस सी भी आएगा ठीक है तो यहाँ पर ये अभी प्रोसेस जब हम करना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा अभी आपको सिर्फ बता दिया गया कि फोर एक्स का क्या हो जाता है फोर एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाता है थ्री का थ्री एक्स हो जाता है और प्लस सी हम लगा देते हैं जो कि हम जिसको कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं ठीक है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कह देते हैं इसको। ओके, okay. तो हमारे पास यहां पर जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आ गया होगा यहां पर क्या है कि हमारे पास जो ये है अगर आप देखिए तो यहां पर कोई भी लिनियर फंक्शन था जिसका कि हमने इंटीग्रेशन किया और ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल गया तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन uh, हमें मिल गया और पैराबोलिक uh, uh, जो कव की वो है तो उसमें प्लस सी है आप देखिए यहाँ पर अगर आप सी की वैल्यू इफ़ यू चेंज द वैल्यूज ऑफ सी यू कैन गिव एनी रियल वैल्यू टू सी और एज अ रिजल्ट यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ इट्स मेम्बर दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वॉट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कव्स तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ इसी को डिमोन्ट्रें डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने ये देखा एरिया अंडर द कर्व जब हम 7.8 कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा नहीं तो जो एट्थ चैप्टर है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है हालांकि हम डेफिनेट इंटीग्रल इसी चैप्टर में करेंगे पर उसका एप्लीकेशन जो है वो जो एरिया अंडर द कव है वो समझने के लिए आपको एट्थ चैप्टर में जाना पड़ेगा ठीक है तो वो तो हम बाद में कर लेंगे तो अभी यह है कि ये क्या दे रहा है फैमिली ऑफ कव्स दे रहा है ठीक है इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कव दे रहा है ठीक है अब इंटीग्रेशन जो है एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ये क्या है ये क्या है ये है कि आपको जैसे अगर मान रखिए कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स है साइन एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है क्या वो होता है कॉस एक्स ठीक है तो अगर आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कराएंगे तो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कराना होगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सी तो हम लगाते ही हैं इंडेफिनेट में हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप जब भी इंटीग्रेट करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें प्लस सी आपको लगाना ही पड़ेगा ठीक है इसी तरह से अगर आपके पास देखिए तो डी बाय डी एक्स है ई एक्स ई एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है तो यहाँ पर ई एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो ई एक्स होगा और प्लस सी हो जाता है ठीक है इसी तरह से अगर आपके पास डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स पावर एन है तो वो क्या हो जाता है एन एक्स पावर एन माइनस वन तो यहाँ पर जो है ये जब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे मतलब एन और फिर एक्स पावर एन माइनस वन का कराएंगे तो हमें यहाँ पर एक्स पावर एन प्लस सी आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए ये देखिए क्या होता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी का मतलब हम इसको समझने के लिए जैसे x पावर n अगर खाली है आपके पास और उसका इंटीग्रेशन करने को आपको कहा गया है तो आप इसको x पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी लिखेंगे तो इसको याद रखने के लिए यह है कि जब डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो हम पावर को सामने ले आते हैं और पावर को एक कम कर देते हैं वेरिएबल की पावर को एक कम करके फिर हम लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम पहले पावर बढ़ाते हैं ये देखिए x पावर n था तो x पावर n प्लस वन लिखा फिर अपॉन कर दिया बढ़े हुए पावर से तो हमें जो है x पावर n का इंटीग्रेशन मिल गया x पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस सी विल ऑलवेज बी देयर तो वो हमारे पास प्लस सी लगा रहेगा ठीक है, है तो इस तरह से अगर हमने देखा कि जो डिफ्रेंशिएशन था जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स है तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही है एक्स पावर एन का अगर डिफ्रेंसी एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन है तो ये एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन जो है एक्स पावर एन प्लस सी है तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो गया तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो हमने अभी किया वो फैमिली ऑफ कर्व्स कर लिया वो फैमिली ऑफ कर्व्स देता है फिर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स पे आते हैं जो कि हमारा आज का फोर्थ और लास्ट डिस्कशन पॉइंट है तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में जैसे हमने एल्जेबरा देखा था ना डिफ्रेंशिएशन का लिमिट्स का उसी तरह से ये भी है तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन है कि एफ़ एक्स प्लस जी एक्स है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके और फिर सम करा सकते हैं तो अगर आप अलग अलग इंटीग्रेट करा करके सम करा सकते हैं तो अगर डिफरेंस की बात आएगी तो भी करा सकते हैं आप फिर दूसरी प्रॉपर्टी में हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास के है और इधर एफ़ एक्स है और उसका इंटीग्रेशन कराना है तो आप ना के को बाहर करा करके और एफ एक्स डी एक्स करा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम जो है इनको क्लब करा सकते हैं मान रखिए कि यह एल से मल्टीप्लाइड है ये एम से मल्टीप्लाइड है तो एल अलग करके फिर हम वो इंटीग्रेट करा दें और फिर इसी तरह से एम को अलग करके उस फंक्शन को इंटीग्रेट करा दें और फिर अगर जो भी हमें प्लस करना है तो प्लस करा देंगे माइनस कराना है तो माइनस करा देंगे तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी जो है हमारा अभी ये ध्यान रखना पड़ता है और इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी भी कहते हैं जब हम कोई कॉन्स्टेंट जो है उसका पार्ट नहीं मानते एक्चुअली हम उसको कोफ़िशेंट की तरह ट्रीट करके अलग से उसको ट्रीटमेंट देते हैं ठीक है तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें ध्यान रखना होता है इंटीग्रेशन में अभी के लिए हमें यही ध्यान रखना होगा बाकी अगर आप चाहते हैं कि इनटू वाला है तो इनटू के लिए हमारे पास अलग Uh, यहाँ पर जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगता है आप जैसे सम और डिफरेंस का सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कर सकते हैं या किसी स्केलर के साथ अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका कर सकते हैं पर अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो फंक्शंस आपस में डिवाइडेड हैं मतलब रैशनल फंक्शन है तो आप उनका इंटीग्रेशन उनके मैथड से करेंगे जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसको हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से और जो रैशनल uh, है फंक्शन function है उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके आ, करते हैं तो वो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन अलग से हम करेंगे ठीक है तो अभी के लिए ये है कि हमने चारों चीजें डिस्कस कर ली इंट्रोडक्शन हमने कर लिया कि इंटीग्रेशन होता क्या है फिर हमने किया कि इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन कर लिया फिर हमने जो मेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल कर लिया जो कि फैमिली ऑफ कर्व्स होता है और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का ही और सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल भी हमने कर लिया अब चीजों को और क्ला क्लारिटी से समझने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे आपको और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये इंटीग्रेशन है क्या क्वेश्चन नंबर वन है उसी के तीन पार्ट्स हैं और बस दिस इज द ओनली क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन तो यहाँ पर जो है ए पार्ट अगर हम करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेट कर लीजिए फोर एक्सपोनेंशियल थ्री एक्स प्लस वन को और यहाँ पर डी एक्स है ठीक है तो इंटीग्रेशन में हमें जो है बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं तो जैसे यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि e थ्री एक्स जो है किसका डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ पर बेसिकली हम उतना ध्यान नहीं रख के क्या करते हैं अभी आपको बताया गया कि हम इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट करा सकते हैं तो अस डू दैट फर्स्ट मतलब हमने इनको अलग अलग लिख दिया ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं फिर हमने फ़ोर बाहर कर दिया और यहाँ पर e थ्री एक्स है और डी एक्स है और यहाँ पर वन डी एक्स है ये भी कोई दिक्कत नहीं है फिर हमने यहाँ फोर किया अब e थ्री एक्स का तो e थ्री एक्स ही होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा आप देखिए अगर आप ई थ्री एक्स बाय थ्री का डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना तो आपको क्या मिलता है तो मिलेगा आपको एक्सपोनेंशियल 3x ठीक है क्यों क्योंकि जो आपका चेन रूल लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल 3x का क्या हो जाएगा थ्री इंटू एक्सपोनेंशियल थ्री एक्स और अपॉन में थ्री रहेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए हमें यहाँ अपॉन थ्री करना पड़ता है तो आप इसको एज अ रूल भी समझ सकते हैं मतलब ध्यान रखने के लिए कि एक्सपोनेंशियल ए एक्स का अगर इंटीग्रेशन आपको आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे ई ए एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल ए एक्स बाय ए लिखेंगे मतलब वहां जो चेन रूल में मतलब सिर्फ समझने के लिए वहां पर जो हम चेन रूल में मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं यहां पर हम उन्हीं चीज़ों से डिवाइड करा रहे होते हैं ठीक है ये आप देखिए यहां पर भी वही हो रहा है एक्सपोनेंशियल थ्री एक्स बाय थ्री हो रहा है क्योंकि थ्री एक्स का डिफ्रेंशिएशन थ्री है ठीक है वो ये और भी चीज़ें जब और भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है अब यहाँ वन पे आ जाते हैं वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है ये हमने कैसे लिख दिया तो वन को आप क्या लिख सकते हैं वन को आप एक्स पावर जीरो लिख सकते हैं फिर आप वो लगा दीजिए ना जो एक्स पावर एन के लिए लगाते हैं क्या करते हैं हम एक्स पावर जीरो प्लस वन लगाएंगे और फिर बढ़े हुए पावर से डिवाइड भी कराना है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा एक्स बाय वन हो जाएगा जो कि सिंपली किसके बराबर है एक्स के बराबर है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स है इस तरह से किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी आपको अब पता चल गया कि अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कराना है तो आपको क्या करना है कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी क्योंकि अभी हमने रूल में देखा कि एक के जो है बाहर हम कर सकते हैं तो यानी कि यहाँ पर क्या बच जाएगा वन बच जाएगा जिसका कि इंटीग्रेशन आपको करना है ठीक है फिर अब चूंकि हम इंटीग्रे इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो हमें प्लस सी भी लगाने की जरूरत होगी तो हम प्लस सी लगा देते हैं जो कि कॉन्स्टेंट ऑफ़ इंटीग्रेशन है तो इस तरह से हमने ए पार्ट इसका कर लिया ठीक है अब आ जाते हैं बी पार्ट पे बी पार्ट में क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेट कराना है आ, रूट अंडर ऑफ एक्स और माइनस है वन बाय रूट अंडर ऑफ एक्स और फिर होल स्क्वायर डी एक्स ठीक है तो हमें जब इनको इंटीग्रेट कराना है तो चूंकि हमें कोई ऐसा और रूल वगैरह अभी पता नहीं है सबसे पहला काम आप ये कीजिए यहाँ पर कि आई इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए इसको ठीक है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेट आई इज इक्वल टू दिस वन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद जो है ये रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वन बाय रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर हो गया अब जब हम इनको ओपन करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और फिर बी ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है एंड डीएक्स विल रिमेन इन टेक्ट देर ये रूट अंडर एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या किया हमने ये बस ओपन कर दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा करके ठीक है अब हम एक्स का अलग से वन बाय एक्स का अलग से और माइनस टू का अलग से इंटीग्रेशन करा देंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से वन बाय एक्स का अलग हो जाएगा और माइनस वन का अलग हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक उसके बाद x का तो हम x पावर n का जैसे यहाँ पर लगाया था वैसे ही लगा देंगे चूँकि यहाँ वन पावर है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा प्लस अब यहाँ एक देर इज़ अ ट्विस्ट कि वन बाय एक्स तो वन बाय एक्स हम जो है यहाँ पर देखेंगे इंस्पेक्ट करेंगे इंस्पेक्शन से करेंगे कि वन बाई एक्स एक्चुअली किसका डिफ्रेंशिएशन है क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होते हैं ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन होते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है तो वन बाय एक्स जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो अगर किसी का डिफ्रेंशिएशन uh, है तो वही हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है और हमें पता चल रहा है कि ये जो है लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है लॉग एक्स इस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज़ वन बाय एक्स राइट अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मॉड भी हमने यूज़ किया हुआ है मॉड इसलिए यूज़ किया हुआ है कि लॉग एक्स जो है नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है अब चूंकि अगर हम आंसर खुद से लिख रहे हैं तो हमें उसमें वो सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं जो कि उसको नॉट डिफाइंड होने से बचा पाए या कहिए हमें वो सारी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं मतलब वो आ, सारी अनवांटेड वैल्यूज़ जो है डिस्कार्ड करनी होती है ठीक है इतना समझ में आ गया अब वन का अभी हमने किया था वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो ये एक्स हो जाएगा एंड प्लस सी विल बी देर नो प्रॉब्लम विद इट नाउ वी सी द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है सेक एक्स तो हम यहाँ पर पहले कॉपी कर लेते हैं तो आपके स्क्रीन पे ये शायद ना दिख रहा हो यहाँ पर ये है कि लेटाइज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन देखिए यही है अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर वो स्क्रीन पे आ जाएगा आपका सेक एक्स है यहाँ पर सेक एक्स प्लस क्या है टेन एक्स है और डी एक्स है तो ये क्वेश्चन बड़ा वाइटल सा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन कई बार आपको बोर्ड में पूछे भी गए हैं ठीक है तो यहाँ तक आ, ये है कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बहुत ध्यान से समझिए आप यहाँ पर क्या है कि हम ऐसे अगर इंटीग्रेट करने जाए तो बहुत ही माथापच्ची है यहाँ पर क्या है कि सीधा हमें इसका कुछ ऐसा है नहीं पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये इतना बड़ा सा फंक्शन है तो हम इनको ब्रेक करते हैं यहाँ पर क्या कर देंगे ओपन कर देते हैं ब्रैकेट तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स ठीक है तो यहाँ पर ये यह डी एक्स हो जाएगा अब जो है ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आ, हम जो है पहले एक काम करते हैं जो रूल्स है वो लगा लेते हैं कि हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो ये इंटेंशन हम बाय राइटिंग दैम सेपरेटली लिख देते हैं अब ये चीज़ हमें देखना है कि ये सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है ये सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स का और सेक एक्स टेन एक्स किस होता है सेक एक्स का तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स आ गया इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स आ गया प्लस सी विल ऑलवेज बी देयर तो इस तरह से हमें जो है इसका आंसर मिल गया सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो है हमें पता चल गया ठीक है तो यहाँ तक अभी हमने कर लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है ये समझ लिया लेकिन इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है आपको जो है इसमें करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि एज एंड इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पर जैसे साइन का कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा उसी तरह से कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है ठीक है ना तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इस तरह से कुछ फॉर्मूले आपको पहले से ही याद करके रखने होंगे ताकि आप बार बार ये ना सोचने लग जाओ कि आखिर ये जो चीज़ है यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं वो किसका डिफ्रेंशिएशन है क्योंकि इट विल कंज्यूम टाइम तो आपको ये याद रखना होगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन की एक लिस्ट आपको एन बुक में दी हुई है या फिर जो भी आप बुक पढ़ते होगे तो उन सभी में आपको इंटीग्रेशन की एक लिस्ट दी होती है तो वो आप याद कर लीजिए अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपको एज़ आ पी डी एफ अवेलेबल कराऊंगा उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जिसको कि आप डाउनलोड कर पाएंगे पर आप कमेंट करेंगे तभी अगर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है तो प्लीज़ डू इट फ्रॉम देयर ओनली ठीक है तो इस तरह से इंटीग्रेशन का हमने एक तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज जो एन सी आर टी सेवन पॉइंट वन है या आप जो भी बुक कर रहे होंगे उसकी पहली एक्सरसाइज तो खत्म हो ही गई है ठीक है तो इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट सेशन इन द नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैथड ऑफ इंटीग्रेशन मैथड ऑफ इंटीग्रेशन हमारा शुरू हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी देर एंड थैंक यू सो मच फॉर विंग विद दस थैंक्स अ लॉट इन्जॉय योर सेल्फ